शो एंड ऑलमोस्ट ऑल द शोज वे फुल। इसका पर्पज यही है कि आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द प्लेटफॉर्म लाइक मेट्रो सिटीज में, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में इट्स वेरी टफ टू डू द शो। प्लस यहाँ पे आज इनॉग्रेशन हुआ एग्जीबिशन का, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, एग्जीबिशन का पर्पस क्या होना चाहिए, ये एक्चुअली पहला सवाल, यहाँ से शुरुआत होती है कि एग्जीबिशन हम लोग क्यों करते हैं। तो बेसिकली एग्जीबिशन इज ओनली फॉर सेल ऑफ पेंटिंग्स, एक उद्देश्य है, लेकिन उसके पहले भी कुछ उद्देश्य होने चाहिए जो एग्जीबिशन से हमें किसी एक्सपर्ट की राय होती है या फिर उससे हम लोग क्या सीखते हैं, अलग अलग लोग उनसे मिलते हैं तो उनसे भी हमें बात करके क्या इनपुट्स वहाँ से मिलते हैं, आउटपुट्स मिलते हैं, तो वो भी चेक करना चाहिए। देखो सर अभी बता रहे थे सर कि मास्टर जो हुए हैं उन्होंने कभी इंस्टीट्यूट में कदम नहीं रखा है, वो भी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, लेकिन उसके पहले की जो हिस्ट्री है जहाँ से शुरुआत हुई थी चित्रकला, ठीक है, तो केव्स पेंटिंग्स जहाँ से हमने शुरुआत की है तो वहाँ पे कहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट थी, वहाँ पे कोई मेंटोर था नहीं, वहाँ पे कोई भी मेंटोर नहीं था, वहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं थी, तो वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका जर्नी बहुत अच्छा है, आपने शुरुआत किया है, आपकी कला है। यदि आपको लगता है कि ये मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास शो करने का, लंदन में करूँगा, न्यूयॉर्क में करूँगा, उससे कुछ नहीं होगा। ओनली थिंग दैट विल टेक यू फर्दर इन दिस फील्ड इज योर ओन क्रिएटिव वर्क। यू शुड हैव फेथ इन योर क्रिएटिव वर्क एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाई यू आर इन दिस फील्ड। दैट इज द बेसिक थिंकिंग दैट यू मस्ट डू, वेदर इट्स फॉर मनी, इट्स फॉर फेम और इट्स फॉर सेलिंग पेंटिंग। See, in the last 2 years, Art Carnival started. It was started, as I said earlier, also with a mission of creating some platform for the artist in a very affordable kind of way. There are many artists who may not be doing full-time art. For them, it becomes very difficult to find the platforms in the metro cities. So, अभी 2 साल में हमारे ये 10 शो हो गए. This is, I think, first in the second in this year. So from the beginning itself, response is fantastic. Shows are almost full to the. We have to stop the, the booking for the Art Carnival every time the show is there. That shows that there are so many artists, so many rather creative enthusiasts. I can say some. I think we have the example here. One of our Sunil sir's student, that madam is here. She is participating as well as learning there. So as I said, ki learning is a lifelong process. तो वो शुरू रहता है। इन आर्ट कार्निवल में ऐसा है कि ये 2 साल में हमने जो किया है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, the purpose is never commercial. Okay. Otherwise the commercial purpose होता तो अगर suppose this much space we rent out, we will make 10 times money than what we make from the exhibition. So बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का purpose ये अलग है कि to make the platform available for the art and then any artist from anywhere. So that is what is happening. If you take Bombay Art Society का हमारा भी 133rd exhibition is coming, 132nd exhibition हमारा last January में हुआ. You can imagine 132nd, 132. तो it started 132 years back. In 1889 the exhibition started. Till that time every year it happens except couple of years in First World War or I think in famine or something, 1-2 साल गैप हुआ है। तो ये शो इतना पुराना है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एनुअल आर्ट शो हमारा, अभी दिस आर्ट कार्निवल तो स्टार्टेड रिसेंटली इन डिफरेंट वे। सो इन दैट शो, इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ नाउ टुडे मास्टर आर्टिस्ट लाइक अमृता शेरगिल, एसएस रजा, प्रभाकर कोलते, जतिन दास, इन द फॉर्मेटिव ईयर्स लाइक दिस यंग पीपल, दे हैव रिसीव्ड द अवार्ड फ्रॉम द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी शोज। नाउ दे आर मास्टर्स, इट इज डिफरेंट थिंग। So this process is continuing, and that we want to carry forward that legacy by providing platform to the artists in a very different, affordable way. Plus, see that they reach to the wider people, wider audience. Then, as sir said, that rest of the thing will follow. वो किसको notice करेंगे? Some buyers, some art collectors, some gallery. देखिए कैसा होता है ना? ये system है. The process of art validation or artist validations is very long and complicated in the art field. एक artist के ऊपर एक बार stamp गिर गया कि yes he gets sucked into the mainstream. mainstream मतलब कैसा, जैसा इन्होंने कहा, suppose ये बुद्धा की पेंटिंग है। सम गैलरी गाय कम्स हियर और सोशल मीडिया पर नोटिस कर लेता है या देयर आर सो मेनी बायर्स फ्रॉम माय रोस्टर हु लाइक दिस काइंड ऑफ आर्ट वर्क। तो क्या करेगा, सीधा आर्टिस्ट को कॉन्टेक्ट करेगा, सेंड मी योर 20 आर्ट वर्क्स, आई विल कीप ऑन सेलिंग यू नाउ, डोंट गिव टू एनीबडी। फिर वो किसी को देने नहीं देते। द डे कम्स दैट डे इट क्लिक्स एज यू सेड। तो आपका काम ओवर, टिल दैट टाइम एंजॉय डूइंग आर्ट। जैसा इन्होंने कहा आर्ट तो एंजॉय के लिए है ना, जो भी है म्यूजिक भी है, यू एंजॉय। स्पोर्ट्स भी हम लोग जो सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो चलो हेल्थ के लिए सीखते हैं, कुछ लोग हेल्थ बनाने के लिए सीख ले, कोई ऐसा ही सीखते हैं, बाद में तो मेडल तो फॉलो होता है, तो 20 साल बाद राइट। अगेन नेक्स्ट शो इज इन अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट अमोल आई थिंक ऑन द वेबसाइट इट इज डिक्लेयर्ड। सो नेक्स्ट आर्ट कार्निवल इज इन अक्टूबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक आई थिंक, दैट्स इट। सो दिस ईयर there were one in the May, now and October, and then we have our annual art show, which is a very big show, which happens in the month of Feb, I think. Feb. Okay, sir. Thank you. Yeah, thank you. Painting लगाई आज inauguration, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या expectation है यहाँ से Bombay Art Society? Bombay Art Society तो इतनी पुरानी है, इतनी famous है, और हमें तो पहले पता लगा था कि ये जहांगीर रोड गैलरी में उनका ऑफिस था ना, वहीं से हमें मालूम पड़ा था लॉन्ग बैक। मैंने MFA किया था 1981 में, और 1979 में 78 में मेरे को अकबर पदमसी जी ने अवार्ड दिया था। ये मेरा जो वर्क है ये सारा स्प्रे वर्क है, इंक ऑन कैनवस। और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर राजेंद्र पाटिल जी हैं जैसे, और बाकी सारे लोग आए हैं, बहुत फेमस जगह है और बहुत अच्छा काम है, यहाँ से रिजल्ट्स निकलेंगे इसके। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। वैसे तो मैं बहुत पुराना आर्टिस्ट, आई एम 70 ईयर्स, तब से मैं काम कर रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा और क्या बताया कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी आर्टिस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में जो आपका आर्ट आज एग्जिबिट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में और क्या एक्सपेक्टेशन है? पहले तो माय नेम इज़ अंजलि, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार। मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई हूँ फॉर एग्जीबिशन, और मैं थैंक यू बोलूँगी राजेंद्र पाटिल सर को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए बनाया है जहाँ पे हर कोई आके अपनी आर्टवर्क को डिस्प्ले कर सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे ग्रोथ मिलती है, और हम लोग अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले करके अदर आर्टिस्ट को भी हम अपना काम दिखा सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे को भी एक मौका मिला है। मैं बॉम्बे आई हूँ और जो मैं गैदरिंग देख रही हूँ, और सर ने जो गाइड किए हैं कुछ चीज़ें जो सीनियर आर्टिस्ट के साथ, और सर ने खुद भी हमें कुछ बहुत सारा कुछ गाइड किया है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इन फ्यूचर हमारे लिए काम ही आएगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके मैम, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आर्ट एग्जीबिशन में, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आपका एग्जीबिशन लगा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, कितना प्रिविलेज महसूस कर रही है और क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ से? फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम यहाँ एग्जीबिशन करने मिल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म कि यहाँ इतने बड़े स्टेज पे मुझे करने मिल रहा है। दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग फॉर मी, बट आई थिंक इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ये लोग, ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, दे आर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर द बडिंग आर्टिस्ट एंड अपकमिंग आर्टिस्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। चाहेंगे एंड क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से? दिस इज माई फर्स्ट टाइम शोइंग माई आर्ट वर्क इन मुंबई। प्रीवियसली आई हैव शोन माई आर्ट इन लाइक दिल्ली, कोलकाता एंड अदर सिटीज, लाइक आई हैव डन माई सोलो शो इन लाइक बड़ौदा ऑल्सो, बट ओवर हियर आई एम लुकिंग लाइक समथिंग डिफरेंट। सिंस आई हैव लाइक शिफ्टेड टू मुंबई, आई एम लुकिंग फॉर लाइक हाउ आर्ट थिंग हैपनिंग इन मुंबई. So Bombay Art Society is like good platform. So I thought of like let's explore over here first, and then let's see how city is like working in terms of like art. Film industry we know a lot. Being a designer, I know like media how it's working, but in art, I'm still exploring. Thank you so much. Camera rolling. Hello, I'm Tejasri Koli. I have put an exhibition in the Bombay Art Society. This is the very first time that I have gotten an opportunity to put up an exhibition in Mumbai, and I'm not expecting a lot. The only thing I want I feel that people should come and see and feel my paintings and just live through it. And yeah, if I make a sale, well and good, nothing bad about it. But for now, I feel that people should come and see and feel my painting. Yeah, thank you so much, and all the best. Thank you. Thank you. Present the exploration of intersection between science and spirituality. And so it's a experience presenting your painting. It's a very great experience. I really learned something over here. What is your expectation from you? I had very great expectation, very nice project. Whatever he is doing, it's very nice project.